नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं वैसे विद्यार्थियों के लिए जो नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं या नर्सिंग की ट्रेनिंग कर चुके हैं अथवा नर्सिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसी विडंबना वाली स्थिति आ गई है कि आज से 23 साल पहले जितनी पोस्ट क्रिएट की गई थी रांची रिम्स में, उतनी संख्या में नर्स है। वर्तमान समय और मरीजों की संख्या के आधार पर रांची रिम्स में नर्सेस की भारी कमी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये न्यूज़पेपर कह रहा है। संभवतः बहुत सारे बच्चों ने इस न्यूज़ को देखा भी होगा और बहुत सारे बच्चों ने इस न्यूज़ को नहीं भी देखा है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि आपको हर एक अपडेट से रूबरू कराएं। और ये जो कमी दिख रही है, ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। रांची रिम्स में जिसको नौकरी करनी है, वे लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आने वाले समय में रांची रिम्स में नियुक्तियां आने वाली है, नौकरी आने वाली है। कितनी नौकरी आएगी, कब तक आने की संभावना है, हम सारे चीजों पर बात करेंगे। तो जितने नए विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या है हमारा पूरा न्यूज। रांची रिम्स की संख्या बढ़ी पर नर्सों की संख्या 23 साल पुरानी। जरूरत है 2994 यानी 2994 नर्सेस की, पर 700 ही कार्यरत, यानी लगभग 3000 नर्सेस की जरूरत है। और काम कितने के नर्सेस कर रही है अभी रांची रिम्स में, तो मात्र 700। कितने की कमी हुआ, 2300 नर्सेस की जरूरत है और काम कर रही है 700। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर हो सकता है कि आप लोगों का नौकरी रांची रिम्स में लगे, वो भी सरकारी नौकरी, ठीक है। और ये जो 2300 पद है, ये एक बार में भरी नहीं जाएंगी, ये भी आप लोग जान लीजिए कि एक बार में 2300 पोस्ट नहीं आएगा नर्सिंग का, कितने करके आएंगे। जितना हमें उम्मीद है, ये तीन चरणों में आएगी, 800-800 के चरणों में आएगी। तीन बार में लगभग 2400 नर्सेस की नियुक्ति होगी, 800-800, फर्स्ट फेज में 800, फिर दूसरे फेज में 800, फिर तीसरे फेज में 800। तो ऐसा संभव है कि जितने बच्चों ने नर्सिंग कर रखी है, उन लोगों के लिए तो चांदी ही है, चांदी क्या, सोना है ना, क्योंकि नियुक्ति आएगी लगभग 700-800 सीट के बीच। नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी आई हुई थी कुछ कारणों से, जो आपका 2019 के आसपास फॉर्म आई थी सरकारी नर्सेस की, वो कैंसिल हो गया था। तो वो जो रिक्तियां है, वो अधिजाचना फिर से जाएगी और बहुत जल्द आप लोगों को देखने में मिलेगा कि लगभग 700-800 नर्सेस की और पैरामेडिकल अगर और भी जो स्टाफ है हॉस्पिटल में, कुल मिलाकर 1200 सीट आने की संभावना है। तो सर, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका क्या? तो आप लोग भी चिंता ना करें, लगभग 1-2 सालों में इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। फर्स्ट फेज में आएगा 700-800 पोस्ट नर्सिंग के लिए, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के। उसमें हो सकता है कि अपेयरिंग कैंडिडेट को भी भरने दे दे और जो पास आउट है उनको भी भरने दे दे, है ना। तो जो पासिंग है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छी बात है। देर ना करें, जल्द से जल्द आप नर्सेस की कोर्स जरूर कीजिए। आप कोर्स कंप्लीट करके बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, जब वैकेंसी आएगी तब फॉर्म भरना हो, तैयारी करके सरकारी नौकरी ले लेना, आसान सी बात है। नर्सिंग के क्षेत्र में फिलहाल झारखंड में कंपटीशन कम है, आने वालों दिनों में कंपटीशन और भी बढ़ेगी, लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों के हिसाब से रिम्स ने खुद को क्या आकलन,
इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो INC है, मैं बार बार कहता हूँ INC, जब भी ट्रेनिंग कीजिए तो INC वाले कॉलेज से कीजिए, तो INC का जो मानक है उसके आधार पे रांची रिम्स ने आकलन किया कि उनको 2994 लगभग 3000 नर्सेस की जरूरत है रांची रिम्स में, जबकि कार्यरत मात्र 700 है। आप समझ सकते हैं कितना दयनीय स्थिति है। ICU में 50 मरीजों पर सिर्फ 2 नर्स है, ICU में 50 मरीज के पीछे सिर्फ 2 नर्स, क्या दयनीय स्थिति आप समझ सकते हैं। जहां पे 50 मरीजों के पास ICU में कम से कम 30 से ऊपर नर्स होनी चाहिए, 30 से ऊपर, वहां पे 2 नर्स है, स्थिति एकदम गंभीर है। वैकेंसी आएगी 100% आएगी और अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, 35-36 हजार से आपकी वेतन स्टार्ट होगी और अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वेतन होगी, ANM के लिए अलग वेतन होगी, GNM के लिए अलग वेतन होगी, BSc नर्सिंग के लिए अलग वेतन होगी, लेकिन वैकेंसी तीनों के लिए आएगा, निश्चित रहिए। देखिए डॉक्टर राजीव रंजन क्या कह रहे हैं, PRO रिम्स के जो हैं, कि पहले से स्वीकृत पद के हिसाब से नर्सों की कमी को दूर किया गया है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण, मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण नर्सों की बहुत कमी है, प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया है, प्रस्ताव भेजा गया है स्वास्थ्य विभाग को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये PRO रिम्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज था जो आप लोगों के लिए साझा करना था, और आप लोग को ये एक मोटिवेशन देगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई मन लगाकर करेंगे, हताश नहीं होंगे, जिनकी नौकरी अभी तक हुई नहीं है, बहुत जल्द नर्सों के लिए भी सरकारी नौकरी के फॉर्म आने वाले हैं, और जो बच्चे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, चाहे वो बिहार के हैं या किसी और स्टेट के हैं, वो झारखंड से INC से मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर जो डिस्प्ले पे दी जा रही है 9546036623 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको झारखंड में कॉलेज मिलेगा, सबसे मिनिमम फीस में ANM GNM और BSc नर्सिंग कराई जाती है हमारे द्वारा। हमारा कॉलेज रांची, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका में अवस्थित है, आपको जहां चाहिए, जिस भी शहर में चाहिए, आप कर सकते हैं, सबसे कम फीस, क्वालिटी एजुकेशन और कॉलेज की मान्यता JNRC और साथ ही INC से होगी, ये सबसे बड़ी बात है। सीट बहुत ही कम बचा हुआ है, सीमित सीटें हैं, तो आप लोग अपना सीट बुक करा सकते हैं। आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या लगेगी, तो 10वीं और 12वीं की टोटल डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोविजनल, पासिंग सर्टिफिकेट, फोटो, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर ऑफिस आइए, अपना सीट बुक कराइए और मात्र 20,000 के न्यूनतम फीस में एडमिशन हो जाती है। बाकी आपकी जो भी कॉलेज की फीस होगी वो आपको किस्तों में देनी है, एक बार में नहीं देना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और लगातार आज से हम आप लोगों को JCEC EV के नर्सिंग से संबंधित आने होने वाले एग्जाम और महत्वपूर्ण अपडेट को समय समय पर देते रहेंगे, साथ ही ANM नर्सिंग कौशल कॉलेज से संबंधित भी सारी जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चाहे किसी भी स्टेट की नर्सिंग की फॉर्म हो, उसकी भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। तो जो नए विद्यार्थी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उस लाल रंग की एक बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, निश्चित ही आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लगती है, लेकिन हमारा मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ती है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।